गाइस स्वागत है आपका एक नए ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे भाई देखो, हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस बार भी कुछ कमाल लेके आए हैं। मतलब लॉन्च से पहले हमारे पास में आ गए हैं सीधा हमारे सूत्रों की तरफ से ये मोबाइल फोन्स के डब्बे। जी हाँ, इनमें मोबाइल फोन्स हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैमसंग के अपकमिंग गैलेक्सी S23 लाइनअप के बारे में। यहाँ पे दोस्तों तीन अलग अलग मॉडल्स होने वाले हैं। सबसे पहले है सैमसंग गैलेक्सी S23, उसके बाद में है S23 प्लस, और फाइनली है S23 अल्ट्रा। आज अब वीडियो को आगे देख रही है, लाइक और शेयर करते हुए और हम पता लगाते हैं कि आखिर कैसी होने वाली एक पहली झलक इन्हीं ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो बॉक्स मतलब कैसे भी यार, अनबॉक्सिंग का तो पूरा मजा हम उठाते ही हैं फिलहाल के लिए। मतलब ऐसी हालत में बॉक्सेस आए हैं, मतलब हु नोज एक टाइम पे क्या पता फ्यूचर में हमको बॉक्सेस ऐसे ही मिले फोन्स के। चार्जर केबल तो सब निकल ही चुकी है। खैर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले शुरुआत करते हैं S23 के साथ में। तो फर्स्ट लुक मिल रहा है गाइज आपको S23 स्मार्टफोन का, और काफ़ी चेंजेस मेरे को देख रहे हैं क्लियरली, जो कि आपको बताऊंगा वीडियो में आगे कि सैमसंग क्या क्या चीज़ें प्लान कर रहा है। इसके अलावा एक ब्लैक में भी होने वाला है हमारे पास। ओके, ट्रांजिट में भाई का कांच टूट गया ऊपर वाला, इसीलिए ऐसे बॉक्सेस नहीं होने चाहिए। बॉक्सेस होने चाहिए मोटे मोटे गद्देदार, ताकि मोबाइल फोन जो आप खरीदें तो आपको एकदम सही सलामत मिले। अभी नेक्स्ट है हमारे पास में S23 प्लस, और ओके ये थोड़ा सा बड़े वाला भाई है, द बिगर ब्रदर, द मिडिल ब्रदर एक्चुअली, जो सबसे बड़ा भाई है वो तो अल्ट्रा है भाई हमारे पास। और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आपको बताऊंगा कि गड़बड़ क्या हुई है, बट यहाँ पे ये S23 प्लस आ गया है। एंड फाइनली वी हैव S23 अल्ट्रा। दिस लुक्स गुड यार, दिस लुक्स गुड। इसमें तो नीचे एस पेन का भी हमको क्लियर जो है वो इंक्लूजन दिख ही रहा है। ये अगला वाइट ना निकल जाए, ये ब्लैक है भाई। ये शायद क्या बोलते हैं उसको, हमारे पड़ोसी देश के जो लोग हैं ना, वो थोड़ा सा भाषा को लेके ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं। बिकॉज मैंने ये बोला था कि भाई मेरे को दो दो कलर्स चाहिए, S23 के दो कलर्स ब्लैक एंड वाइट, S23 प्लस के भी सेम ब्लैक एंड वाइट, और अल्ट्रा के भी ब्लैक एंड वाइट। तो अल्ट्रा में तो ब्लैक एंड वाइट वाला काम कर दिया इन लोगों ने, बट यहाँ पे ये सेम आ गया है। और चलो खैर टूट फूट भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर एक ही था। बट यार देखो, ये आपके सामने मैंने अभी बिछा के रखे हैं सारे फोन्स जो कि सैमसंग लॉन्च करने वाला है अपने अनपैक्ड इवेंट में, और मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए जो टाइम है वो 1 फरवरी का होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं मेन चेंजेस जो आपको फिजिकली देखते ही सबसे पहले जो है वो आप क्लियरली देख पाएंगे, वो आपको मिलेंगे चेंजेस सैमसंग S23 और S23 प्लस में। जहां पे जो कैमरा मॉड्यूल है ये अभी आपको ऐसे इंडिविजुअल लेंसेज बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और ये मोर ऑफ लुक्स लाइक जो अल्ट्रा है, क्योंकि अल्ट्रा तो पिछले साल भी ऐसा ही आ गया था, तो अल्ट्रा से काफ़ी एकदम ऐसा मैचिंग आपको कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगेन यार मेटल साइड्स होने वाली हैं। नीचे अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल साइड में हमारे पास में ये आपको देखो 5G के एंटीना का कटआउट मिल रहा है, जो मिलीमीटर वेव 5G वाले मॉडल्स होंगे। उसके अलावा पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर हमारे पास में अगेन सेकेंडरी माइक्रोफोन, यहाँ पे साइड में सिम ट्रे होने वाली है, नीचे अगेन लाइक टिपिकल इन सैमसंग फैशन जैसा हम देखा है सैमसंग के फोन्स में, USB पोर्ट, माइक्रोफोन और साथ में स्पीकर ग्रिल वगैरह। पीछे अगेन ट्रिपल कैमराज आ रहे हैं, और यहाँ पे सैमसंग एक जो बहुत बेहतरीन बात करता है जो सैमसंग ने आज तक कभी अपने फ्लैगशिप फोन्स में नहीं करी है एज फार एज आई कैन रिकॉल, कि कोई मैक्रो और डेप्थ का झंझट नहीं है भैया। प्रॉपर तीन कैमरा मिलते हैं, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो। तो ये तीन कैमरास होने वाले हैं विद LED फ्लैश, और स्क्रीन जो है वो S23 जो है वो सबसे कॉम्पैक्ट होने वाला है, 6.1 इंचेस के साइज के हिसाब से, जहां पे आप वन हैंड यूज कर सकते हो, काफी ऐसा पावरफुल कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन बन जाता है। ये थोड़ा सा बड़े साइज पे आएगा, और दोनों की जो स्क्रीन है वो हमको क्लियरली फ्लैट मिल रहे हैं, तो कोई कर्व्ड स्क्रीन अभी भी सैमसंग ने शामिल नहीं किया है, जो कि पहले भी सैमसंग ने नहीं किया था, पिछले काफी टाइम से सैमसंग फ्लैट पे जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा की, तो भाई देखो अल्ट्रा इज ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर।
अल्ट्रा एक तरीके से आप समझ लो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट फोन है एस लाइनअप के अंदर, बिकॉज नोट बंद होने के बाद में दिस इज द न्यू नोट, यू नो आई वुड से। और ये जो S23 अल्ट्रा है ये डिजाइन लैंग्वेज एकदम सेम सी लेके आता है जो कि लास्ट ईयर हमने देखी थी। और यहाँ पे आपको फ्लैट टॉप एंड बॉटम वाले पूरे जो है वो एजेस मिलते हैं, साइड्स कर्व्ड हैं, स्क्रीन कर्व्ड है, और पीछे की तरफ भाई लुक एट दीज कैमराज, मतलब यहाँ पे जो सैमसंग करने वाला है ना इस बार, शायद हम यू नो एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 मेगापिक्सल्स का हमको मज़ा मिल जाएगा। जूम वगैरह जो है वो यहाँ पे तो 100x स्पेस जूम तक सैमसंग पहुँचा हुआ है पहले से ही, तो और शायद हमको एनहांस्ड ऑप्टिक्स वगैरह मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें फ़ोन की अदरवाइज, तो यहाँ पे हमारे पास में होता है एक इनबिल्ट एस पेन, तो वो हमको इस बार भी इस फ़ोन में नीचे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो वही सेम डिज़ाइन है, USB-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, साथ में एस पेन के लिए स्लॉट, और बाकी एकदम ऐसा फ्लैट डिज़ाइन ऊपर और नीचे से। साइड में आपको कर्व्ड यू नो साइड्स मिल रही हैं, पावर बटन वगैरह हैं, वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपका 5G वाला पूरा सीन है। तो यार देखो एक बात आपको बताऊं, अगर मैं इस S23 लाइनअप की, इंडिया में एक्जिनॉस नहीं मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज दे ऑल विल बी पावर्ड बाय द लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेज की, तो यार वी ऑल नो कि सैमसंग इज़ द मार्केट लीडर, तो यहाँ पे स्क्रीन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो यहाँ पे भी सैमसंग इज़ डूइंग रियली गुड, तो वो चीज़ों को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक आप अच्छी चीज़ को क्या ही अच्छा बनाओगे। ये चीज़ हमें देखी एप्पल के साथ में कि आईफोन 12 के बाद से जो है वो डिज़ाइन काफ़ी हमने सेम ही देखा है, यू नो बस विद माइनर चेंजेस। सेम इज़ हैपनिंग विद सैमसंग कि सैमसंग गैलेक्सी S20 के बाद से, 20 तो चलो ठीक है फिर थोड़ा सा कैमरा अलग था, बट 21 जो था वो 22 से काफ़ी मिलता जुलता था, और अभी जो ये 23 है ये 22 से काफ़ी मिलता जुलता है। तो पिछले 2-3 सालों से जो डिज़ाइंस हैं वो ऑलमोस्ट यू नो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट्स यू नो वेरी वेरी गुड फ़ोन, तो उसको सेम रखते हुए इंटरनल्स को सैमसंग यू नो धीरे धीरे इंप्रूव और कर रहा है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले हो गया है, बाकी चीज़ें हो गई हैं। तो ये फ़ोन हैं भाई। प्राइस की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से इस फ़ोन की इंडिया में प्राइस होनी चाहिए अराउंड 70-75 हज़ार के आसपास, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। ये जो फ़ोन है इसकी प्राइस भाई इंडिया में होनी चाहिए अराउंड 85-ish के आसपास, 80-85 के आसपास आई थिंक सो। और ये जो है 1 लाख के ऊपर जाएगा भाई, ये 1,05,000, 1,10,000 यू नो, या 1 लाख कुछ भी वो सैमसंग लॉन्च करेगा इस फ़ोन को। अब आप बताओ वैसे कि आप इन सब में से किसके लिए एक्साइटेड हो, और आप इन सब में से किसका इंतज़ार कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द S23 अल्ट्रा, बिकॉज मैंने पिछले साल S22 को अल्ट्रा को यूज़ किया था और वो भाई बहुत ही तगड़ा फ़ोन था। इस बार देखते हैं कि सैमसंग यहाँ पे और क्या नए एक्सपीरियंसेस हमको प्रोवाइड करता है इन्हीं नए स्मार्टफोन्स के साथ में। वैसे ये मैं आपसे मिलने वाला हूँ नए नए एक्सपीरियंसेस को लेता हुआ अगले किसी और वीडियो में। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।